श्रीनगर से जम्मू जा रहे थे तो बीच में बम्प आया एक, उधर से मेरा एक्सीडेंट हो गया। अभी हम एम्बुलेंस में, इसमें जो डायलॉग्स वगैरह हैं अब जम्मू जाके पता चलेगा, पर दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो गाइस रिसेंटली अभी आर्यन व्लॉग का एक्सीडेंट हो गया, तो वो अपने जम्मू कश्मीर से घर जा रहे थे, वहीं पर रोड के अंदर बम आने की वजह से बाइक उछल गई थी। इसी के ऊपर सारी स्टोरी उन्होंने बता दी कि कैसा उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो आप उनकी क्लिप दिखा देता हूँ मैं पहले। नगर से जम्मू जा रहे थे तो बीच में बम्प आया एक, उधर से मेरा एक्सीडेंट हो गया। अभी हम एम्बुलेंस में हैं गाइस, हमें जम्मू रेफर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं जम्मू जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेन है, अभी पेन किलर्स भी लगाए हुए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, दर्द इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। और बहुत गंदा क्रैश हुआ है मेरा, बहुत ज़्यादा गंदा। मेरे राइडिंग गियर्स की हालत देखो, मेरे गियर्स की हालत देखो, फोन वोन GoPro सारा कुछ टूट गया है, बाइक टोटल लॉस हो गई है, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बोला नहीं जा रहा है। तो अभी जम्मू यहाँ से अब जम्मू जाके पता चलेगा, पर दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा पेन हो रही है। तेरा ये लंका भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, मतलब इस टाइप के डायलॉग्स। मतलब यार ये तो किसी अच्छे घर का बालक भी नहीं बोल। और वहीं पर बात करें एलविश यादव की, तो एलविश यादव ने आदि पुरुष जो अभी रिसेंटली आई थी वो उन्हें देखने गए थे, उसी पर हनुमान जी के जो कैरेक्टर है उन्हें वो सबसे खराब लगा, उसी पर उन्होंने रिएक्शन करते हुए क्या कहा, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। भाई आदि पुरुष देखी मैंने अभी, तुम्हारी कसम मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मैं कुछ मेरा तो क्या ही लेना देना है ना, मतलब कि मूवी मेकर चाहे अच्छी बनाए चाहे बुरी बनाए, मैं तो बस एक नॉर्मल रिव्यू दूंगा जो मैं सोच के गया था कि वो जिस हिसाब से ट्रेलर लगा रखे तो 600 करोड़ की भाई फिल्म नहीं है ये तो बहुत कम बजट की मूवी होनी चाहिए थी अगर कायदे से देखा जाए तो, इन्हें पैसे मांग लगाई है। और मैं कोई वो नहीं हूँ कि भाई मैंने श्री राम की बेइज्जती कर दिया फिर श्री राम के, नहीं भाई वो उनकी तो बेइज्जती कर ही नहीं सकता कोई, मतलब कभी भी चिढ़ो मत, वो काम आप लोग भी करके दिखाओ तो अच्छा लगे। गाइस जटपरजोत का नेपाल के अंदर एक्सीडेंट हो गया था अपनी एशू के साथ, तो वो अभी ठीक हो चुके हैं, जहाँ पर उनके पैर भी फ्रैक्चर हो गए थे और उनकी एशू भी पूरी खराब हो गई थी, वो वापस से बन के आ चुकी है, उनके पैर भी ठीक हो चुके हैं। जब वो उसे राइड पे लेके निकले तो कुछ यूट्यूबर्स को उन्होंने रिप्लाई दिया, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। लगता है बाइक की आवाज से उड़ गई है, इस बाइक की आवाज से ना बहुत लोग